हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी में कम समय में सफलता पाने का फुल प्लान बताने जा रहा हूं। आप लोग इस प्लान को फॉलो करके एसएससी जीडी एग्जाम में बहुत ही आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचें। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो है 2021 का, उसमें आपका एसएससी का फुल फॉर्म होता क्या है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जीडी जो है इसका फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। तो इसमें आपका फॉर्म फिलअप करते समय 8 पोस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला बीएसएफ का, दूसरा सीआईएसएफ, तीसरा सीआरपीएफ, चौथा आईटीबीपी, पांचवा एसएसबी, छठा असम राइफल और सातवां एनआईए, आठवां एसएसएफ। तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते समय ये ध्यान रखना होगा कि इसमें अपना कौन सा चॉइस दें ताकि बेस्ट हो हम लोगों के लिए। आगे अगर अच्छा मार्क्स ले आते हैं एग्ज़ाम में तो अच्छा पोस्ट हम लोगों को मिल पाए। तो आप लोग वहाँ पे बेस्ट चॉइस में सबसे पहले एनआई को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद एसएसएफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद सीआईएसएफ, फिर एसएसबी, तब आईटीबीपी, उसके बाद असम राइफल, फिर बीएसएफ और सबसे अंत में सीआरपीएफ। बाय द वे, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट चॉइस में सीआरपीएफ डाल दिए हैं और आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा है, 90 मार्क्स अगर आपका आ गया, तो आपको सबसे पहले सीआरपीएफ ही मिल जाएगा। क्योंकि अगर 90 मार्क्स लाने वाला एनआईए भी हो सकता था, लेकिन आपका अगर फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ डाला हुआ है तो आपको एनआईए नहीं मिलेगा और सीआरपीएफ मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि सब पोस्ट में कौन सा सबसे बेहतर होगा हमारे लिए, तो वो सोचने के बाद ही आप लोगों को सेलेक्ट करना है फॉर्म फिलअप करते समय। अब दूसरी बात इसमें आती है एज ग्रुप की, कि कौन कौन से एज का लोग इसको भर सकता है इस फॉर्म को। तो आपको बता दें कि 18 से 23 वर्ष के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जो कि जनरल से बिलोंग करते हैं। तो अगर एससी एसटी हैं तो उनको 5 साल का प्रेफरेंस दिया जाता है, और ओबीसी में है तो 3 साल का प्रेफरेंस दिया जाता है। फॉर्म भर लेने के बाद आपकी बारी आई एग्ज़ाम की तैयारी करने की। तो एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आता है। सबसे पहला है जीके, जीके से आपका 25 मार्क्स का आएगा। इस 25 मार्क्स में आपको करेंट अफेयर्स भी 5-10 डाल सकता है, तो आपको करेंट अफेयर्स भी देखते रहना है। सेकंड सब्जेक्ट है मैथ्स, मैथ्स से आपका 25 नंबर का आएगा। रीजनिंग से आएगा 25 नंबर का, और हिंदी इंग्लिश मिला के 25 नंबर का। टोटल को आप लोग जोड़े तो 100 मार्क्स हो जाता है पूरा। आपको इन्हीं 4 सब्जेक्ट में मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाना है एग्ज़ाम में। और इसमें टाइमिंग क्या देता है, तो आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटा का टाइमिंग मिलेगा वहाँ सॉल्व करने के लिए पूरे क्वेश्चन को। तो आप लोग जब तक इसको प्लान के साथ नहीं पढ़िएगा तब तक सफलता पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए हम आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आते रहेंगे, ताकि आप बहुत ही आसानी से सफलता प्राप्त कर सकें। आप लोगों के पास बहुत ही सुनहरा मौका है एसएससी जीडी में भर्ती होने का, क्योंकि इस बार बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका वैकेंसी लिया जा रहा है। शायद सबसे पहला इसका जो आया था आपका वैकेंसी, उसमें 1 लाख के आसपास था सीट, और अभी फ़िलहाल 40,000 और बढ़ाया गया है कल के डेट में। तो आप लोग इसका बेहतर तैयारी करिए। और आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जब तक किसी चीज़ का आपका प्लान नहीं होता है, कोई भी काम आपको अगर करना है उसका आप प्लान तैयार नहीं करते हैं, तो वो काम बीच में अधूरा रह जाता है, या फिर काम में मतलब आपको बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप एक गोल रखिए अपना कि हाँ, हमको इस चीज़ के लिए सफलता प्राप्त करना है, तो उसके लिए किस किस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे तैयारी करें ताकि हमको सफलता मिल पाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस हैं उस चीज़ को लेकर। अपने लाइफ में आप लोग एक चीज़ को और फॉलो कर सकते हैं कि किसी भी काम में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको उस काम के लिए रेगुलर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी काम में आप रेगुलर नहीं रहते हैं तो वो काम आपका कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक कहावत भी कहा गया है इसी पे कि रेगुलरिटी इज़ द बेस ऑफ सक्सेस, यानी निरंतर प्रयास ही सफलता का कुंजी होता है। यानी अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, थोड़ा लेट ही मिले लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है इसमें। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जो भी वीडियोज़ आप लोगों को चैनल पर अपलोड किया जाएगा आप उसको अच्छे से देखिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जाकर, या फिर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा उसमें भी आप लोग जाके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके, आपको पूरा डिटेल्स सॉल्व करके उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी फ़िलहाल इसका लॉकडाउन के कारण फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि कब से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है।
और आपको कौन कौन सा चॉइस देना है वो तो अभी हम आप लोगों को समझा दिए हैं, तो आप उस चॉइस के अनुसार ही वहाँ पे सेलेक्ट करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप लोगों को यहाँ पे हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और एक बेहतर तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप लोग रेगुलर अपडेट जो भी हम देते रहेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। तो बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए हम पहला सेट लेके आएंगे SSGD का। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।